ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खास मुलाकात में। लगातार हमारे साथ नितिन गडकरी जी मौजूद हैं। गडकरी साहब, विकास कार्यों के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा रोड़ा विकास कार्यों में होता है, क्योंकि सरकारी मंत्रालयों से मंजूरी बहुत देर में मिलती है। आपने भी कहा कि पीएम के सामने आपको शर्मिंदा कई बार होना पड़ा और आपके खुद के मंत्रालय के काम के लिए मंजूरी मिलने में 9 महीने का वक्त लग गया। संबंध में नहीं जी, ये रेड टेप ही सब है। सरकार में किसने कितने दिन फाइल रखना, इसकी कोई मर्यादा और नियम नहीं है। आपको एनओसी चाहिए, उसके लिए 3-3, 4-4, 6-6 महीने लटकना पड़ता है। और इसलिए हमारी प्रक्रिया को गतिशील करना, ट्रांसपेरेंट करना, करप्शन फ्री करना, मोदी जी के नेतृत्व में 850 कानून में सुधार किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। इसमें और काम करने की आवश्यकता है और इसलिए मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे ये सिस्टम को हम प्रभावी करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, टाइम बाउंड करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड करेंगे, ई गवर्नेंस के साथ जुड़ेंगे और करप्शन फ्री सिस्टम लाएंगे। और इसमें टीम स्पिरिट होगा, विकास सम्मुख दृष्टिकोण होगा और गरीब के हित में निर्णय होंगे। ऐसी नीतियां जो हमने बनाई है उसके परिणाम अब मिलना शुरू हुआ है, आगे और मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए सर, आपके विभागों के कामकाज को छोड़ दिया जाए तो केंद्र सरकार की किस योजना ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना में देश में केवल 3.5 करोड़ बैंकों में गरीबों के खाते थे। आज 21.60 करोड़ लोगों ने खाते खोले हैं और 36,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए, जिनको लाइफ इंश्योरेंस का भी फायदा मिल रहा है, डेबिट कार्ड भी मिला है। तो ये पहली योजना अब प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री के इसमें मुद्रा योजना के द्वारा 2.70 करोड़ लोगों को लोन भी उपलब्ध करा के दिया है। मुझे लगता है ये सब स्कीम्स जो है ये देश के गरीबों को राहत देने वाली है। अब गैस की सब्सिडी लोगों ने छोड़ दी और अब हम लोग सब गरीब को घर में गैस की सिगड़ी और सिलेंडर दे रहे हैं, तो उससे प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। हमारी माँ बहनें वो लकड़ी, वो कोयला, वो धुआं, उससे मुक्ति पाएगी। तो ऐसी अच्छी अनेक योजनाएं सरकार ने की है और उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल, 5 करोड़ लगभग गैस सिलेंडर बांटने की बात की जा रही है। एक और खास बात है, कैबिनेट की जब बात होती है, मीटिंग की बात होती है, कह रहा था कि गडकरी साहब सबसे ज्यादा बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? बोलने की आदत है या फिर बोलने के लिए चीजें बहुत ज्यादा रहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ मैं बोलता हूँ, देखो जहां मुझे लगता है मेरा सुझाव देना चाहिए, कुछ बात कहनी चाहिए तो मैं अपनी बात रखता हूँ। कुछ विभाग ऐसे भी दिखाई पड़े जिनके कामकाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खुश नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ी मेहनत की और जरूरत है? देखो, प्रधानमंत्री जी सभी विभाग से अपेक्षा करते हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री विजन भी दे रहे हैं, निर्णय भी कर रहे हैं, कुछ समस्या होगी तो उसको सुलझा भी रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि मेरे डिपार्टमेंट काम दिखता है, बेचारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का काम कैसे दिखेगा। तो राधामोहन सिंह जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी स्मृति ईरानी एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रही है, बाकी भी सभी हमारे मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनका काम बेचारा दिखता नहीं, मेरा काम दिखता है। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री किसी के काम से नाराज नहीं है, हमारे सभी मंत्री रात दिन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे हैं और कलेक्टिव टीम स्पिरिट के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सरकार की सफलता सबको दिख रही है। बिल्कुल, लोकसभा में आप बहुमत के साथ हैं, अकेले बीजेपी का बहुमत है और अगर तमाम पार्टियों को मिला लिया जाए, आपके सहयोगियों को, तो कहीं ना कहीं आप प्रचंड बहुमत के साथ हैं, लेकिन राज्यसभा में कमजोर कहीं ना कहीं है। क्या 2 साल में विकास के कार्यों में, अगले अधिवेशन में राज्यसभा में भी हम बहुत मजबूत बन जाएंगे और अब इसके बाद राज्यसभा में जीएसटी का बिल भी पास हो जाएगा। पिछले साल की बात करें, जो गया हुआ साल है आपके लिए, उसकी बात करें तो कभी रोहित मुर्मूला के नाम को लेकर राजनीति की गई, कभी जेएनयू में नारों को विवाद बनाया गया, इसके अलावा कभी एनआईटी में जो विवाद हुआ उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, क्या सरकार इन तमाम चीजों का जवाब ठीक ढंग से दे पाई है? देखिए, ये विवाद का कोई महत्व नहीं है। हिंदुस्तान की बर्बादी करना, हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे देना, क्या ये देश में विवाद का विषय बन सकता है? क्या हमारे मातृभूमि के बारे में बर्बाद करो ऐसा कोई घोषणा की जाती है तो क्या कार्यक्रम का आयोजक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? उसकी जो वीडियो फिल्म्स आई थी उसके बारे में अब आया कि वो सत्य है, तो मुझे लगता है कि ऐसे विषयों को विवाद करना देश के लिए अच्छा नहीं है। सब पार्टियों ने मिलकर राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुकाबला करना चाहिए। आपको जरूर स्वाधीनता है, अधिकार है, स्वतंत्रता है, पर देश की बर्बादी, देश को मुर्दाबाद करने की बात करना, ये बात नहीं चलेगी, सभी पार्टियों ने कहना चाहिए। दुर्भाग्य इस बात का कि ऐसे विषयों पर भी राजनीति होती है, ये अच्छा नहीं है। एक बात जरूर है कि जो लोग नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और बीजेपी और एनडीए की सरकार आई है, कुछ लोगों को सहने नहीं हुआ है और उन्होंने हमारा लगातार विरोध किया है, तो रोज चांस देखते रहते कि इनको कैसे बदनाम करें। छोटा भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो विवाद खड़ा कर देते हैं
और मीडिया को भी 24 घंटा चलाना पड़ता है, उनको भी मटेरियल लगता है, वो बेचारे उपयोग में कर लेते हैं, वो मन से ये बातें चलती है, ऐसा नहीं है। पर एक बात जरूर है कि चाहे कोई चाहे या ना चाहे, चाहे कोई विरोध करे या ना करे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरे दुनिया में, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, नेपाल हो, भूटान हो, या और किसी भी देश का नाम लो, बांग्लादेश हो, सब देशों में भारत की, भारत का कीर्तिमान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ी है, वो केवल भाजपा के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और इसलिए उनके नेतृत्व में भारत को सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है। भारत लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है और दुनिया में एक पावरफुल शक्ति के रूप में उसका उदय हो रहा है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, विदेशों का बहुत दौरा किया, आप जिस तरह से विदेश दौरे के बारे में बता रहे थे अभी, लेकिन विपक्ष जो है इसको बार बार मुद्दा बनाया करता है। विदेश दौरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या हासिल किया देश के लिए? देखिए सर, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, नहीं बोले तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश जाते तो क्यों जा रहे हैं, नहीं जाते तो क्यों नहीं जा रहे हैं, यानी क्या कुछ लोगों ने यह तय किया हम कुछ भी निर्णय प्रधानमंत्री करें तो भी उसको एक विवाद का विषय बनाना, क्योंकि उनके मन की अस्वस्थता है कि वो नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, या राष्ट्रवादी व्यक्ति को, या संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद नहीं करते। वो लोग अस्वस्थ हैं हमारे जीत के कारण, और जब तक हम हैं वो अस्वस्थ ही रहेंगे और विरोध करते रहेंगे, पर उनके विरोध के बावजूद भी देश की जनता ने हमारे पार्टी को, हमारे नेताओं को जो प्रेम और विश्वास दिया है, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। बिल्कुल, आखिरी सवाल सर करूंगा, 5 साल बाद जब फिर चुनाव होंगे, उस वक्त तमाम जो वायदे किए गए थे कितना प्रतिशत पूरा करने वाले हैं? देखो, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा रहा है 35 साल के राजनीति में कि मैंने कभी झूठ आश्वासन नहीं दिया, और मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की जो हो नहीं सके। जो मैं कह रहा हूँ वो पूरे करने की कोशिश करूँगा, और निश्चित रूप में इसमें जनता के सहयोग से और डिपार्टमेंट के सभी लोगों के सहयोग से मैं यशस्वी होऊंगा, और जो बात कह रहा हूँ मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसमें पूरी अपेक्षाएं मैं पूरी करूंगा, ये विश्वास मैं देश की जनता को देना चाहता हूँ। सर बिल्कुल, आपने हर मुद्दे पर खुलकर बात की, अपने मंत्रालय के साथ साथ तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हमसे बातचीत की, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।